सब क्या कर रहे हो आप लोग। तो मैं हूँ आज अपनी पार्किंग में। सो पार्किंग में क्यों, उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मैं अपनी दोनों बाइक और एस देखने आया था, और दूसरा पॉइंट ये है कि एक्चुअली कल ऐसे शाम को कभी कभी मेरे पार्किंग में कुछ सेक्रेटरी हो गए, कुछ लोग हो गए, वो ऐसे बैठते हैं। सो बैठे बैठे उन लोगों ने बात की थी कि जो बाइक है और जो गाड़ी और साइकिल जो भी है वो सब यूज़ नहीं कर रहे, वो लॉकडाउन के बाद फेंक देंगे या बंगाल में दे देंगे या हम यूज़ करनी ही नहीं, क्योंकि वो मीटिंग होगी। तो ऐसे करके बात खाली हुई थी, तो ऐसे पापा के साथ मैसेज आया और फिर वैसे मेरे पास आए। तो पापा ने बोला कि देख ले तेरी इच्छा, देखो जो करना है। पापा तो साफ बोला भाई फेंक दिया गाड़ी, कोई काम की है नहीं। तो मैंने बोला नहीं, गाड़ी मेरी बहुत पसंद है मेरे को दिल से मैंने बनाई है मेरी गाड़ी, कुछ भी हो जाए मैं फेंकूंगा नहीं। और ऐसे करके थोड़ी बातचीत हुई, बहस हुई। तो फिर ऐसे करके मम्मी ने भी बोला लेट इट बी, लॉकडाउन के बाद देखते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो ऐसे करके और पापा ने बोला कि काम कर, लेटर लिख के वॉचमैन के टेबल पर रख दे, वॉचमैन दे देगा सेक्रेटरी को। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर अभी नीचे लेटर देने आया तो वो मैंने रख दिया। तो अभी आपको मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, मतलब दोनों बाइक, उनमें से एक दोनों ऐसे तो बहुत टाइम हो गया मैं चलाई नहीं। एक जो गाड़ी है वो यहाँ पीछे है, उसको कम से कम आज 3-4 साल हो गए होंगे मैंने चालू नहीं। और जो एक है उसको मैंने कम से कम 2-4 हफ्ते हो गए होंगे मैंने उसको भी स्टार्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया अभी बताता हूँ, पहले आप गाड़ी देखो। मैं पहले अपनी दूसरी बाइक की बात करूँगा। सो ये बाइक जो है वो FZ है, इसको मैंने पूरी तोड़ फोड़ के चेंज करा दी थी, क्योंकि ये भी ओल्ड मॉडल था। तो इसको भी मैंने, ये देखो पूरा टायर सीट, ये भी दोनों टायर, पूरा ये सिस्टम पूरा चेंज कर दिया था। और एग्जॉस्ट वही था खाली, वो ऐसे रह गया, उसको चेंज नहीं करा, उसको बाद में कराऊंगा मैं। तो कुछ ये ऐसी हो गई है मेरी बाइक, इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया, बहुत टाइम हो गया। ये खाली मेरी गाड़ी जब मैं दोस्तों के साथ गेड़ी मारने जाता हूँ तो यूज़ करता हूँ, बाकी ऐसे ही रहती है ये। तो ये कुछ ऐसी हो गई है। अब इसकी लॉकडाउन के बाद मैं वापस इसको रिपेयर कराऊंगा, पूरी जितनी भी है उसको पूरा रिपेयर कराऊंगा मैं। और मेरे फ्रेंड की है एक शॉप है, वो मॉडिफाई करता है गाड़ियों को, एग्जॉस्ट, ये पूरी सीट और ये पेट्रोल पंप का टंका, ये सारा जो है ये सब देखो कैसा हो गया है। ये सब सही कराऊंगा मैं लॉकडाउन के बाद। और एक और गाड़ी वो भी दिखाता हूँ मैं, पहले उससे पहले ये देखो। जैसे कि मैंने बोला था आपको कि बात हुई थी, तो ये देखो ये सारा साइकिल का भंडार हो गया। एक ये गाड़ियाँ खड़ी है और ये भी कुछ ऐसी है, और एक यहाँ पे देखो ये CBR, उसकी तो बेकार कंडीशन हो गई है। तो ये सब यूजलेस है, तो ये सब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, इसका मेरे को आइडिया नहीं है। तो मेरी बाइक जो है मैंने अपनी यहाँ खड़ी कर दी यहाँ पे, इसको पूरी खोला दी थी मैंने। और इसके बाद घर पे भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, लड़ाई मतलब कलेश हो गया था, ये क्यों कराया, कैसा करा दिया है, लुखा है, मतलब ऐसी बात हो गई। तो ये गाड़ी कुछ ऐसी हो गई, अब चलाने में बहुत मज़ा आती है। ये खाली सिंगल सीट है और ऐसी कुछ दिखती है ये। तो इसको मैं लॉकडाउन के बाद पूरी सही कराऊँगा। तो चलो मैं पहली गाड़ी वो भी दिखा देता हूँ। तो मेरी पहली बाइक जो है वो ये है अपाची 160 RTR, और ये तो कुछ और ही टाइम हो गया इसको बंद हुए, इसको तो बहुत टाइम हो गया चला ही नहीं मैंने। इसके भी बहुत फनी मोमेंट है, बहुत सैड मोमेंट है, बहुत पर्सनल मोमेंट भी है, और बहुत ऐसे मोमेंट है जो आप ये बता नहीं सकता मैं अभी। तो इसके तो पूरे पुर्जे हिले हुए, ये गया हुआ है, इसका ये भी गया हुआ है, इसकी बैटरी नहीं है, इसका वो टायर नया है। और ये मतलब एक स्टार्ट ये तो गया, ये देखो ये तो है ही नहीं यहाँ पे। इसके चीज़ें बहुत अच्छी है बट इसको मैं छू नहीं सकता अभी, इसलिए खाली अपने स्टिक से ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। सो ये कुछ ऐसी हो गई है अभी। तो इसको भी मैं सोचा कि तोड़ फोड़ के पूरा एकदम मॉडिफाई करा दूँ। तो देखो मेरा लॉकडाउन के बाद 1-2 दिन बाद मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगा, और उसके बाद इसको दिखाऊंगा और उसको भी दिखाऊंगा, और जिसकी हेल्थ अच्छी होगी उसको मैं मॉडिफाई कराऊंगा पहले, क्योंकि मेरे को
देखो ये बहुत दिल के करीब है मेरी गाड़ी, सो पहले तो सोच रहा हूँ इसको तोड़ फोड़ के एकदम नया करा दूँ। और इसको मैंने बंद इसलिए कर दी थी कि उसकी जो मैंने जब बंद हुई थी गाड़ी ख़राब हुई मैंने नीचे खड़ी कर दी थी यहाँ पे, तब मैंने अगले 2-3 दिन पापा को बोला कि गाड़ी का कुछ ऐसा हो गया मेरे। पापा ने बोला कि पूछ गया कितना होगा, मतलब सर्विस में पूछ के मतलब क्या गैराज में कितना होगा क्या होगा, तो भाई ने बोला कि 10,000 या 20,000 का खर्चा है इसके अंदर। तो पापा ने बोला नहीं दीक्षित मतलब ज़रूरत नहीं है करने की। तो फिर मैं ठीक है, और इस पर मैंने कम से कम 2-3 बार पेंट किया हुआ है, तो अभी कलर जो है वो मिट्टी लग गई है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये पूरा मैट ब्लैक था, ये पूरा यहाँ पे नंबर प्लेट भी पूरी मैट ब्लैक हो गया, टायर भी, ये भी इसका सब कुछ मैट ब्लैक कर दिया था मैंने। सो देखो अब इसके क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। एक्चुअली सूरत में बाइक और एक्टिवा ही ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ऐसी जगह है कि अपने कार वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो जब मैं जॉब करने लग गया था, सो मैं जब जॉब करने लग गया था तो पापा ने कहा कि तू एक्टिवा ले ले, तो फिर मैंने एक्टिवा ले ली थी ये। तो एक्टिवा मैं ज़्यादा यूज़ करने लग गया था मेरी, तो उसके बाद गाड़ी इतनी यूज़ हुई नहीं मेरी, तो फिर ये ऐसी खड़ी रह गई। तो जब भी फ्रेंडों के साथ जाना होता है तो कार निकाले थे गेड़ी मार के घर आ जाते, बाइक तो खाली ऐसे ही बोलते हैं संडे वगैरह या कभी कभी यूज़ होता हूँ तो ठीक है। तो ये दो मेरी बाइक थी, और ये मेरी साइकिल है जो रिसेंटली ली थी मैंने कुछ एक दो या तीन महीने पहले। ये क्यों ली थी, ये तो बस ऐसे नॉर्मली ऐसे चलाने के लिए ली थी मैंने, तो ये किसी की चाबी नहीं लाया क्योंकि घर पे पता नहीं मैं पार्किंग में आया हूँ। तो लॉकडाउन के बाद एक एक स्टार्ट करके बताऊँगा, ये मेरी एक्टिवा तो चलाता ही हूँ और वो बाइक दोनों आपको स्टार्ट करके आवाज़ भी सुनाऊंगा मैं। तो ये साइकिल तो मैंने ऐसे ली थी, ये नॉर्मली जब भी मैं फ्री हूँ तो एक आधा राउंड में सोसाइटी के अंदर या बाहर काट लूँ, मतलब एक जिम में साइकिलिंग करने का फ़र्क अलग होता है और एक ये साइकिल में करने का बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए ये ली थी। बाकी लॉकडाउन हटेगा तो पहले मैं अपने फ्रेंड को यहाँ पर बुलाऊँगा अपने यहाँ पर, और उसको ये बाइक और मेरी वो वाली बाइक दोनों बताऊँगा मैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और बाद में उसको पूछूंगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है गाड़ी में, कैसा है क्या नहीं है, कैसी मॉडिफाई करानी है, और जो भी बात होगी वो आपके सामने बात करूंगा मैं। तो आप मुझे फॉलो कर लेना इंस्टा पे और यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करके रख लेना कि जब भी मेरा वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख लो। तो उसे जो भी बात करूंगा वो मेरे वीडियो रिकॉर्ड में करूंगा, ब्लॉग में डालूंगा अपने। तो कैसा होगा, कैसी बाइक होगी, कितना टाइम लगेगा, कितना खर्चा आएगा, और टोटल जो भी होगा वो सब मैं यहाँ पर डाल दूँगा अपने ब्लॉग में। सो एक ये बाइक और एक वो बाइक तो आपको मैं बता दूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मन तो इसी बाइक में अपडेट कराने में, क्योंकि इसका जो पावर है, इसका जो एग्जॉस्ट है, वो ज़रूरत ही नहीं है कि कुछ और लगाना, क्योंकि इतनी पावरफुल गाड़ी है। और बहुत अच्छी पिकअप है, बहुत पुरानी है एक्चुअली, गाड़ी मेरी है ही नहीं पहली बात तो, ये मेरे अंकल की थी। तो अंकल ने बाद में गाड़ी चलाना बंद कर दिया था, तो जब यहाँ पे मैं रहने आया हूँ, इसको यहाँ पे रहता हूँ मैं अपने फ्लैट अभी जो रह रहा हूँ मैं, उसको मेरे 4-5 साल हो गए रहे हुए। तो जब मैं स्कूल उस टाइम मैं 10th में था तो पापा को मैंने बोला कि भाई बस की जरूरत नहीं है तो मुझे बाइक मिला दो। पापा बोला ये चाचू की बाइक है, इसको सर्विस करा के यूज़ कर ले। तो थोड़े 1-2 साल यूज़ की थी, बाद में इसमें प्रॉब्लम आने लग गई, तो उसको 1-2-3 बार मैंने सही करवाई थी, खर्चा किया मतलब थाने पापा बोला खड़ी कर दे। उसके बाद मैंने एक्टिवा ली, तो ये भी खड़ी हो गई। उसके बाद पापा मेरे को वो बाइक दिला जो आपको दिखाई थी मैंने, उसको भी मैंने बाद में 12th तक आ गया था, उसको मैंने पूरी तोड़ फोड़ करा के ऐसी करा दी, तो अब उसको भी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा ना इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। सो देखते उसका भी क्या होता है, इसको भी क्या होता है, अभी छू नहीं सकता मैं, नहीं तो वो गाड़ी तो चालू होती है, वो गाड़ी को मैं आप साउंड सुना देता, बट मैं चाबी लाया नहीं, किसी भी चीज़ की चाबी नहीं लाया, मैं छू भी नहीं रहा, मैं रिक्स नहीं लेना चाहता, इसलिए स्टिक से मैं छू के आपको बता रहा हूँ मैं। सो दैट्स फॉर द टुडेज़ वीडियो गाइस, आप मेरे को फॉलो करके रखना मेरा नाम इंस्टा का, और सब्सक्राइब करके रखना मेरे को कि मेरा अगला वीडियो आएगा लॉकडाउन के बाद, उसका वीडियो मैं डालूंगा कि इस गाड़ी और वो गाड़ी दोनों को मैं मॉडिफाई वापस अपडेट करूंगा। और जो भी होगा सब कुछ मैंने आपको बोल ही दिया है कि कहाँ से कराऊंगा, कितने का कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, वो सब कुछ आपको मैं ब्लॉग में बताऊंगा। सो मुझे सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी क्लिक कर देना कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए,
और दैट्स फॉर द टुडेज वीडियो गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई वीडियो. मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. टेक केयर. स्टे होम. स्टे स्ट्रांग.